लोकसभा में प्रभारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए या देश में सरकार बनाने के लिए यूपी का जीतना बहुत जरूरी होता है। संयोग से यूपी में इस बार विपक्ष के लिए विशेषकर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने में अब 11 दिन का ही समय बचा है, पर चुनावी तैयारियों और लड़ाई के जज्बे की जहां तक बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक तरफ भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य की तरफ लगातार रैलियां कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार रैलियां कर रहा है। भाई उठापटक के बीच नेशनल इंडिया न्यूज ने आपके लिए पिछले 3 ओपिनियन पोल्स के आंकड़े की तुलना की है। आप सिलसिलेवार तरीके से जानिए यूपी में कितनी बदलने वाली है तस्वीर। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकती है। सर्वे के मुताबिक यूपी में इंडिया गठबंधन को 40 से 50 सीट तो एनडीए गठबंधन के खाते में 15 से 20 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं BSP को इस बार 15 से 20 सीटें जाती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार BSP का भी अच्छा प्रदर्शन होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले टाइम्स नाउ ETG ने एक सर्वे कराया। टाइम्स नाउ ETG के लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिल सकती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इंडिया गठबंधन 45 से 50 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल कर सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन को 15 से 20 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ मायावती की BSP को भी 10 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो दोस्तों सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यूपी में बसपा का भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये भी देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में बसपा का अच्छा प्रदर्शन होता है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। अदाब नमो बुद्धा।